हेलो गाइस, वेलकम टू कनक यादव यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे पालक पनीर की सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। और पालक आपको सर्दी और गर्मी दोनों में ही आसानी से मिल जाता है। आप चाहे तो इसे घर पर भी उगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले पालक लेंगे, उसे पानी की सहायता से वॉश कर लेंगे। वॉश कर लेने के बाद हम उसे प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे और हल्का सा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद उसको दो से तीन सीटी आने तक अच्छे तरीके से पका लेंगे। जब तक हमारा पालक पककर तैयार हो रहा है, तब तक हम अपना पनीर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया है। 250 ग्राम पनीर को आप जो है पीसेस में कट कर ले। तो आज मैं किसी की सहायता ले रही हूँ, अपने घर में से हेल्प ले रही हूँ, तो इसलिए आज आसानी से मैं आपको सारी चीज़ें दिखा सकती हूँ। तो इस तरीके से हम जो है अपने पनीर को बारीक बारीक काट लेंगे। आप चाहे तो उसे मोटा, लंबा, चौकोर, त्रिकोण, डायमंड के आकार का किसी भी शेप का काट सकते हैं। तो हमने अपने पनीर को काट कर रख लिया, साथ ही अपने छोट की चीज़ें काट ली है, जैसे कि टमाटर, प्याज, लहसुन और साथ ही साथ हरी मिर्च। आप चाहे तो अदरक भी ले सकते हैं। उसके बाद हम देखिए, अब हमारा पालक जो है उबल कर तैयार हो चुका है। तो पालक अभी गर्म है, उसको थोड़ा ठंडा कर ले, पानी से उसे वॉश ना करें, वरना उसके सारे मिनरल्स जो है बाहर निकल जाएंगे। इसलिए हम उसे थोड़ा ठंडा करने के बाद ही मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। और जो पालक उबालते समय हमने पानी ऐड किया था, उसको भी हम फेंकेंगे नहीं, उसको भी हम अपनी सब्जी में ही ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम पालक को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। पालक को ग्राइंड कर लेने के बाद हम उसे साइड में रख देंगे। आप चाहे तो उसे किसी अन्य बर्तन में भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप उसे ग्राइंडर में भी रख सकते हैं। तो हम उसे ग्राइंडर में ही रख देंगे। उसके बाद गैस फ्लेम को ऑन करेंगे। गैस फ्लेम को ऑन करने के बाद गैस फ्लेम को हाई पर सेट कर देंगे। हाई पर सेट कर देने के बाद उसमें अपना सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों का तेल ऐड कर देने के बाद तेल को गर्म होने देंगे, और तेल के गर्म हो जाने के बाद उसमें अपने कटे हुए पनीर के पीसेस ऐड कर देंगे। और पनीर को जो है 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। उनको बिल्कुल टाइट फ्राई नहीं करना है, उनको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे, जिससे कि पनीर जो है बार बार टूटेंगे नहीं और उनमें जो है कच्चापन निकल जाएगा और वे खाने में काफ़ी अच्छा टेस्ट देंगे। तो इस तरीके से आप पनीर को बिल्कुल हल्के हाथ से हिलाते हुए पका लेंगे। तो ये देखिए, हम बिल्कुल हल्के हाथ से पकाएंगे। अगर आपने इतनी भारी चम्मच से उनको हल्का सा भी प्रेस कर दिया, तो वो जो है टूटना शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथ से उन्हें पका लेंगे। और 1 से 2 मिनट तक पका लेने के बाद हमारा पनीर पक चुका है। तो अब हम उसे निकाल कर किसी अन्य बर्तन में रख लेंगे। उसके बाद अपने बचे हुए तेल में जीरा ऐड करेंगे। जीरा ऐड कर देने के बाद, तेल हमारा गर्म था इसलिए जीरा साथ के साथ पक जाएगा, तो जीरे को जो है पकने देंगे। जीरे के पकते पकते ही हम उसमें जो है आधी छोटी चम्मच हींग ऐड कर देंगे। हींग ऐड कर देने से सब्जी जो है आपको परेशानी नहीं देगी। आप चाहे तो इसे 1 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जीरा और हींग के पक जाने के बाद अब हम उसमें अपनी बारीक कटी हुई लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन ऐड कर देने के बाद उसको जो है 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से पका लेंगे, जब तक कि उसका कलर जो है डार्क ब्राउन ना हो जाए। और डार्क ब्राउन होने के बाद उसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने लहसुन इसमें ऐड कर दिया। अब हम अपने लहसुन को अच्छे तरीके से पका लेंगे। इसको हल्का हल्का चलाते रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें पनीर फ्राई किया था, तो पनीर के कुछ पीसेस जो है नीचे लग जाते हैं, जिसकी वजह से कढ़ाई जो है चिपचिपी बन जाती है और वह आपके चौक को चिपकाना शुरू कर देती है। इसलिए लगातार उसे चलाते रहेंगे। उसके बाद अपनी बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। आप सब चाहे तो इन सभी चीज़ों की प्यूरी बनाकर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल अलग तरीके से बना रहे हैं। तो हम बिना प्यूरी बनाई सभी चीज़ों को ऐड करेंगे और सब्जी काफ़ी टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो है मसालों को बिल्कुल भी पीसा नहीं है। आपके मुंह में प्याज या टमाटर का कोई भी पीस नहीं आएगा, सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से पक जाएगी। तो इस तरीके से हम अच्छे तरीके से प्याज को भी ऐड कर देने के बाद 4 से 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए पका लेंगे। लगातार चलाते हुए पका लेने के बाद बीच बीच में हम उसे शायद चलाते रहेंगे, जैसे कि वो नीचे लगे नहीं और जले नहीं। साथ ही हमारे प्लेलिस्ट में जाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप किसी और अन्य रेसिपी की वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बच्चों से संबंधित नई पुस्तकों की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर किड्स प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। वहाँ पर आपको बच्चों की नई नई न्यू एनसीईआरटी की जो बुक्स आए हैं, उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो उसे भी कृपया लाइक करें, शेयर करें और वॉच करें। प्याज को पका लेने के बाद अब हम उसमें अपनी कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। कटी हुई हरी मिर्च ऐड करने के बाद उसे भी 3 से 4 मिनट तक के लिए पका लेंगे। 3 से 4 मिनट तक पका लेने के बाद हमारी मिर्च जो है बिल्कुल पक्कर तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम उसमें जो है अपने कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। तो हमने देसी टमाटर का इस्तेमाल किया है, और हम अपने टमाटर को जो अपने घर पर ही उगाते हैं। आप चाहे तो आप भी घर पर उगा सकते हैं, और कोशिश करें ज़्यादातर आप देसी टमाटर का ही इस्तेमाल करने की। देसी टमाटर काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो अब हमने टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद लगातार चलाते हुए इसे भी पका लेंगे। गैस फ्लेम को जो है हमने हाई पर ही सेट रखा है। तो ये देखिए, हमने टमाटर को 2 से 3 मिनट तक पका लिया। अभी इनको अच्छे तरीके से मैश करेंगे।
उसके बाद हम इसमें अपना जो है धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो हमने एक टेबल स्पून जो है धनिया पाउडर ऐड किया है। एक टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देने के बाद उसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो सभी मसाले एक साथ ऐड कर सकते हैं और चाहे तो बीच बीच में मिक्स भी कर सकते हैं। तो हमने धनिया पाउडर को ऐड कर दिया है। धनिया पाउडर ऐड कर देने के बाद अब हमने इसमें 1.5 छोटी चम्मच चना मसाला ऐड कर दिया है। आप चाहे तो इसकी जगह गरम मसाला या पनीर मसाला या फिर पालक पनीर मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो आप जो भी मसाले चाहे आप ऐड कर सकते हैं। हम केवल चने मसाले का इस्तेमाल करते हैं, खाने में ज़्यादा हेल्दी होता है और बाकी मसालों के मुकाबले सेहतता भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं देता। तो स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। पालक में आयरन होता है, साथ ही साथ पालक में अपना नमक भी होता है, इसलिए नमक जो है ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। यह थी हमारी आज की एक टिप। तो अब हम नमक ऐड कर चुके हैं, तो अब आप चाहे तो हल्दी को जो है हल्का सा ऐड कर सकते हैं। तो हमने आधी छोटी चम्मच हल्दी ऐड की है। वैसे तो पालक ऐड किया है तो उसमें ग्रीन कलर ही आएगा, लेकिन हल्दी ऐड करने से जो है थोड़ा अलग सा उसके अंदर टेस्ट आ जाता है। तो हल्दी ऐड कर देने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें ये चटनी बनाकर रखी हुई थी जो कि टमाटर की चटनी थी, तो हमने इसमें टमाटर की चटनी को ऐड कर दिया। टमाटर की चटनी के साथ अगर आपके पास टमाटर की चटनी नहीं है तो आप अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अदरक का पेस्ट ऐड नहीं करना चाहते तो आप टमाटो केचप भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से चटनी ऐड कर देने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और सारे मसाले को मैश करते हुए पका लेंगे। जैसे हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाएगा तो बिल्कुल आसानी से मैश हो जाएगा। देसी टमाटर और प्याज जो है इस तरीके से पक जाएंगे, आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने ग्राइंड करके ऐड किया है। उसके बाद हम इसमें अपने मिक्सी में पीसे हुए पालक के पेस्ट को ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, जो भी बैटर है वो कढ़ाई से बाहर ना गिरने पाए। तो इसको लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको पका लेंगे। तो ये देखिए हमने बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। पालक को हमने पहले से ही पकाया तो इसलिए ज़्यादा देर पकाने की अभी से ज़रूरत नहीं है, केवल छोंक का ही समय हमें इसमें पकाने में लगेगा। उसके बाद ये देखिए हमने पालक को उबालते समय जो पानी घुस गया था हमने उसको ले लिया और अपनी सब्जी में हम उसी पानी को ऐड कर देंगे। थोड़े से पानी हमने कुकर में नीचे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसमें जो है हल्का बहुत रेत रह जाता है, तो उसको हम उसमें ही रहने देंगे ताकि हमारी सब्जी में जो है खिरखिरापन ना आए। तो इसके बाद हम इसमें अलग से पानी और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें अलग से पानी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको कम सब्जी बनानी है तो आप उतने ही पानी से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हमने पानी ऐड कर लिया, अब इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे। 4 से 5 मिनट तक पकने के बाद अब हम इसमें जो अपने पनीर के पीसेज ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको 4 से 5 मिनट तक के लिए फिर से पका लेंगे, जिससे कि पनीर जो है प्यूरी को सोक कर ले और पनीर में जो है पालक का टेस्ट आना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से लगातार मिक्स करते हुए इसको ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देने के बाद इसको जो है पकने देंगे। आप चाहे तो इसे ढककर भी पका सकते हैं, और अगर आप इसे ढकना नहीं चाहते तो आप इसे खुले में भी पका सकते हैं। इस समय पर गैस को जो है लो टू मीडियम पर सेट कर देंगे। अगर हाई फ्लेम पर आप इसे सेट रखते हैं तो सब्जी जो है ज़्यादा छींट मारती है और आपकी पूरी किचन भी गंदी हो जाएगी और साथ ही साथ आप भी जल सकते हैं। तो उसके बाद हमने इसमें अब अपनी 3 से 4 चम्मच दही ऐड किया है। तो हमने घर पर ही दही जमाया था तो इसलिए हमने इसमें 3 से 4 चम्मच दही ऐड कर दिया, जिससे इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। ये हमारा आज का सीक्रेट इंग्रेडिएंट था। अगर आप दही ऐड करना नहीं चाहते तो आप उसकी जगह पर मलाई भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने इसमें 3 से 4 चम्मच दही ऐड कर दिया है। आप चाहे तो अपने घर के बने दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो आप बाहर से भी दही लाकर इस्तेमाल कर सकते हो। तो 3 से 4 चम्मच दही ऐड करने के बाद आप इसे मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए 2 से 4 उबाल आने तक इसको पका लेंगे। तो ये देखिए अब हमारे पकने के बाद आधा पानी सूख चुका है और हमारी सब्जी जो है बिल्कुल बनकर तैयार। अगर आप इसे और गाढ़ी करना चाहते हैं तो थोड़ी देर और पका सकते हैं। तो अब इसे गर्मा गर्म सर्व करें। हमारी पालक पनीर की सब्जी बनकर तैयार। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।